का संविधान भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इसकी एक खूबसूरती यह भी है कि जरूरत के अनुसार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संशोधित किया जा सकता है। लगभग 100 से ज्यादा बार ऐसा हो भी चुका है। बीते समय में वंचित वर्ग मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य कमजोर तबकों ने भारतीय संविधान के माध्यम से थोड़ा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विधायिका और न्यायपालिका गुप्त रूप से मिलकर बहुजन समाज के हक हकूक को छीन रही है। यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। यह न केवल निंदनीय है बल्कि यह देश विरोधी भी है। जिस देश में कमजोर तबकों पर ध्यान न दिया जाए या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए वह देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो समाज का अधिकतर संभ्रांत वर्ग हमेशा से बहुजनों के खिलाफ रहा है और आज भी बहुजनों को मुख्य धारा से दूर रखने के लिए नित नए नए तरीके खोज रहा है। बहुजन समाज के सक्रिय लोग बहुजनों के साथ हो रहे अन्याय को पहचान रहे हैं और संविधान के खिलाफ किए जाने वाले सत्ता के कार्यों को बखूबी समझ भी रहे हैं। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से बहुजन तबकों में आई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता का मूल्यांकन किया जाएगा और संकट के इस समय से कैसे उभरा जाए इस पर भी चिंतन और मनन किया जाएगा।